भलाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नैनीताल से हमारे पास में खबर आ रही है। जी हाँ, वहाँ GIC ढोली गांव के शिक्षक और अभिभावकों की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। पीटीए की टीम का गठन हुआ है। पीटीए के अध्यक्ष कमल किशोर पांडे व SMC के अध्यक्ष वसंत वल्लभ लोहनी बने हैं। बैठक में कई अभिभावकों ने भाग लिया। ढोली गांव नैनीताल राजकीय इंटर कॉलेज ढोली गांव नैनीताल में शिक्षक अभिभावक संघ की आम बैठक हुई, जिसमें विद्यालय की विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों के बारे में चर्चा की गई। विद्यालय में शिक्षा का बेहतर माहौल बनाने के लिए अभिभावकों को सहयोग का आह्वान किया गया है। अभिभावक संघ की नई कार्यकारिणी का भी गठन किया गया है। प्रभारी प्रधानाचार्य ने गत वर्ष आय और व्यय का विवरण कार्यकारिणी के सम्मुख रखा। बैठक में आम राय से पीटीए के अध्यक्ष कमल किशोर पांडे को नियुक्त किया गया और SMC के अध्यक्ष सर्वसम्मति से वसंत वल्लभ लोहनी को बनाया गया। नव नियुक्त पीटीए अध्यक्ष कमल किशोर पांडे ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि स्कूल की मूलभूत समस्याओं को दूर किया जाएगा, चाहे वह पेयजल की समस्या हो या विद्यालय की चार दीवारी या विद्यालय में शिक्षकों की कमी की, सभी को लेकर विधायक व सांसद को ज्ञापन देंगे। बैठक की अध्यक्षता प्रधानाचार्य ईश्वर सिंह बिष्ट ने की। इस मौके पर कार्यकारिणी के सदस्य एवं विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक व कर्मचारी मौजूद थे। अंत में बैठक को संबोधित करते हुए प्रभारी प्रधानाचार्य ईश्वर सिंह बिष्ट ने सभी अभिभावकों का आभार प्रदर्शन किया और अभिभावकों से विद्यालय के विकास कार्य एवं शैक्षिक कार्यों में सहयोग की अपील की। अभिभावक संघ की बैठक का संचालन नरेश चंद्र बिनवाल ने किया। ढोली गांव नैनीताल से चानन सिंह विष्ट की एक रिपोर्ट।